हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टेक टाइम की। इस टर्म को आपने अपनी कंपनी में सुना होगा या कई बार इंटरव्यू में सुना होगा। टेक टाइम का मतलब क्या होता है, आज इस पे बात करेंगे। टेक टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक मैं आपको टेक टाइम से रिलेटेड कैलकुलेटर भी देने वाला हूँ। एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर है, जिसको अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है, उस पर जाके आप इसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बात करते हैं टेक टाइम होता क्या है। अगर हम टेक टाइम की परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि टेक टाइम इज अ मैन्युफैक्चरिंग टर्म डिस्क्राइब द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट असेंबली ड्यूरेशन दैट इज नीडेड टू मैच द डिमांड। मतलब टेक टाइम एक ऐसा टर्म है जो मांग के अनुसार उपलब्ध समय में किसी उत्पाद को तैयार करने के लिए उल्लेखित किया जाता है। अब मांग कौन करता है? कस्टमर करता है। प्रोडक्शन कौन करता है? आप करते हो। तो इसका मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप कितने टाइम में पूरा करते हो, वो टाइम आपका टेक टाइम कहलाता है। ठीक है, मान लो कस्टमर आपका कह रहा है कि 1000 प्रोडक्शन एक दिन में चाहिए, तो 1000 प्रोडक्शन बनाने में आपको जो टाइम है, पर प्रोडक्ट का जो टाइम है, वो आपका टाइम टेक टाइम कहलाता है। समझते हैं, फॉर्मूले के तरीके से समझते हैं कि कैसे टेक टाइम को निकाला जाता है। तो टेक टाइम की बात करें तो इट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ कस्टमर डिमांड बेस्ड ऑन योर प्रोडक्शन रिसोर्सेज एंड टाइम। मतलब कस्टमर की जो डिमांड है वो किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये आपको हेल्प करती है आपके असेंबली लाइन को सिंक्रोनाइज करने में कि मुझे असेंबली लाइन में कितने वर्कर रखने हैं, कितने स्टेशन रखने हैं, ताकि जो कस्टमर की डिमांड है उसको मैं टाइम को पूरा कर पाऊं। नहीं तो अगर मैंने टेक टाइम को कंप्लीट नहीं किया, मैं अपनी साइकिल टाइम के हिसाब से चलता रहा, जो कि टेक टाइम से डिफरेंट होता है। साइकिल टाइम होता है एक प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला समय। नाउ अगर आपको प्रोडक्ट में बनाने वाला जो समय है वो 2 मिनट का है, और मान लो कस्टमर कहता है मुझे हर 1 मिनट में प्रोडक्ट चाहिए, तो 2 मिनट में बनाने से आप उसकी कस्टमर डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हो। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हर 1 मिनट में पीस चाहिए, जो कि कहलाता है टेक टाइम, लेकिन आपका जो साइकिल टाइम है वो 2 मिनट है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है तो आपको 2 मिनट के साइकिल टाइम को 1 मिनट के टेक टाइम के साथ मैच करना पड़ेगा। कैसे, एक बार फिर से समझते हैं। तो टेक टाइम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। योर इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम इन शिफ्ट, आपके पास कितना समय है प्रोडक्शन को करने के लिए, जिसमें हम लंच आवर और बाकी के जो आपके स्टॉपेज ब्रेक लेते हैं, टी टाइम है, ये सारे को आवर को हटा देते हैं, जो अवेलेबल टाइम है प्रोडक्शन के लिए, एंड डिवाइडेड बाय कस्टमर रिक्वायरमेंट पर शिफ्ट। एक शिफ्ट में कितना समय है असेंबली करने के लिए, मशीन चलाने के लिए, और हर शिफ्ट में कस्टमर कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसके रेशियो को हम टैग टाइम कहते हैं। ठीक है, हाउएवर कैन यू साइकिल योर वर्क प्रोसेस एट टैग, इसका मतलब है क्या आप अपने साइकिल टाइम को टैग टाइम के हिसाब से वर्क कर सकते हो। चलिए फॉर्मूले को समझते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है, वो निकालता है आइटम पर डे। कस्टमर एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट मांग रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 1000 पीस पर डे, 2000 पीस पर डे, 5000 पीस पर डे, वो मेरी कस्टमर रिक्वायरमेंट हो गई। फिर मुझे अवेलेबल टाइम निकालना पड़ता है कि मेरे शिफ्ट में अवेलेबल टाइम क्या है, एक दिन में या शिफ्ट में। अगर दिन की बात करूं तो हो सकता है मेरे पास 8 घंटे हो, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो पूरा एक ही शिफ्ट चलाता हूँ, अगर पूरे मैं 24 घंटे चलाता हूँ तो लंच वगैरह हटा के हो सकता है 20 घंटे या 22 घंटे मेरे दिन भर की अवेलेबल टाइम है। नाउ टेक टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, अवेलेबल मिनट पर डे, जो अवेलेबल टाइम पर डे है, एंड डिवाइडेड बाय कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसको आप सेकेंड्स में निकाल सकते हो, क्योंकि साइकिल टाइम जब बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको सेकेंड्स में निकाल सकते हो कि एक ऑर्डर को पूरा करने में कितना सेकेंड चाहिए, तो सेकेंड पर ऑर्डर भी टेक टाइम आपका निकल के आता है। और इसकी सहायता से आपको ये समझ में आता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो मैं फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो एग्जाम्पल से आता समझते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट मान के चलते हैं आपके 100 ऑर्डर्स पर डे हैं, जिसमें से आपके पास अवेलेबल टाइम ओनली 440 मिनट है, 8 घंटे की शिफ्ट है मान के चलते हैं, और उसमें से 30 मिनट हमें लंच के हटा दिए, 30 नहीं यहाँ पे 10 मिनट, माफ कीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 10 मिनट हटाए गए हैं ब्रेक के। आपका जो भी ब्रेक है आप वो हटा सकते हो। तो टेक टाइम क्या हो गया, अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाई कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो अवेलेबल टाइम था मेरे पास 430 मिनट पर डे, इंटू मैंने 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, और मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 100 ऑर्डर्स पर डे, तो मेरा टेक टाइम निकल के आता है 258 सेकेंड पर ऑर्डर या 4.3 मिनट पर ऑर्डर। कहने का मतलब यह है कि कस्टमर को हर
258 सेकेंड में एक पीस चाहिए। हर 258 सेकेंड में आपको एक असेंबली, एक प्रोडक्ट तैयार करना है। नाउ आपका साइकिल टाइम है 400 सेकेंड का, तो क्या आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओगे? कभी नहीं पूरा कर पाओगे, क्योंकि 400 सेकेंड के अगेंस्ट में उसको 250 सेकेंड के अंदर ही पीस चाहिए, यानी कि आपके पास 150 सेकेंड का हमेशा गैप बना रहेगा, जिसको कवर करने के लिए आप हो सकता है एक्स्ट्रा लाइन लगाओगे, एक्स्ट्रा मैन पावर करोगे, कुछ तो काम करोगे या आप अपने कस्टमर को जाने दोगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जरा एक्सेल फॉर्मूले की सहायता से कि टेक टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे शीट में। नाउ अवेलेबल शिफ्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अवेलेबल टाइम डालना है। अगर आपके अवेलेबल आवर 8 घंटे में है तो यहाँ पे घंटे डालेंगे, अगर मिनट में है तो डायरेक्ट इधर डाल सकते हैं या आवर में कन्वर्ट करके डाल सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ मेरे दिन भर में 12 घंटे टोटल मैं रन करता हूँ, केवल 12 घंटे की मैं शिफ्ट चलाता हूँ, सुबह 8 से शाम के 8 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आवर्स हो गए। अब इसमें से लंच मेरा 12 घंटे की शिफ्ट में केवल 30 मिनट का जाता है, तो मुझे या तो मैं इसको 0.50 करूं, ठीक है, तो भी वही बात आ जाती है, और या मैं इसको यहाँ पे सीधे सीधे 30 मिनट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, या यहाँ पे भी लिख देते हैं 0.5, यहाँ पे आ गया आपका 30 मिनट, जिसको इसने मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड से, तो 1800 सेकेंड। नाउ ब्रेक की बात करें तो मेरे पास दो ब्रेक हैं 10-10 मिनट के, तो यहाँ पे मैंने को 10 मिनट और 10 मिनट, यहाँ पे ये माइनस होंगे, तो ये जितने भी लंच ब्रेक ये माइनस होंगे, इसमें ब्रेकडाउन वगैरह को नहीं लिया जाता है क्योंकि वो एफिशिएंसी में आ जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि ये तो हो गया आपका टोटल अवेलेबल टाइम पर शिफ्ट या पर वर्किंग डे। नाउ टेक टाइम क्या है, अब यहाँ पे कस्टमर एक दिन में कितने पीस मांगता है, तो मैं मान के चलता हूँ डेली मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट 1000 पीस की, मैंने 1000 जैसे ही डाला, यहाँ पे मेरा टेक टाइम निकल के आ गया 0.012 आवर्स में एक पीस चाहिए, 0.012 आवर, 0.67 मिनट, या इसको मैं डायरेक्टली बोलूँ तो 40.2 सेकेंड्स। तो आप आवर में चाहिए आवर में ले लो, मिनट में चाहिए मिनट में ले लो, सेकंड्स में चाहिए आप सेकंड्स में ले लो। ठीक है, अगर मुझे यहीं पे मुझे फॉर्मूला चेंज होता कि नहीं मेरा कस्टमर दिन में 10,000 पीस मांगता है, तो ये यहाँ पे आपका वैल्यू है चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको हर 4 सेकंड के अंदर एक पीस बनाने होंगे। तो मेरा कस्टमर कहता है कि हर मुझे डेली 1 लाख पीस चाहिए, तो ये हो जाता है 0.402 सेकेंड। फिर घंटे नहीं आएंगे, घंटे में बहुत पॉइंट्स में चला जाएगा, मिनट में भी 0.0067 जा रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड्स में 0.402 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस एक्सेल शीट को अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो सीधे जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप पर जाइए और ऐप में जाके फ्री आइटम पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको ये डाउनलोड करने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे वहां पे अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर है, एग्जाम्पल मैंने अलग से दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से एग्जाम्पल्स ले लो, सेम एग्जाम्पल है, थोड़ा अलग फॉर्मूले अलग एग्जाम्पल लेके करा गया है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, ये आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक 0.25 आवर का मतलब हो गया 15 मिनट, अगर मैं इसको 0.20 कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे 0.20, आप देखोगे तो ये सारे वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। ठीक है।